हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटनाचक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे। आज हम लोग ईवीएस का एक सब टॉपिक ज्योग्राफी, जो कि लास्ट क्लास में हम लेके चल रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ईवीएस का कौन सा पार्ट हम लोग लेके चल रहे थे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? सौर मंडल। ठीक है, हमने अपने लास्ट क्लास में क्या करा था? सौर मंडल। फिर से रिवाइज किया जाए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? एक सूर्य है जो कि एक तारा है, और बाकी इसके 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को हटा दिया गया, उसे पौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब हमारे पास 8 ग्रह बचे हैं। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू किया था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, एक छोटा सा शॉर्ट रिविजन कर ले। हमने सन के बारे में डिटेल पढ़ा था। ठीक है, सन के बारे में पढ़ा था, ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे। सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था, कितने ग्रह हैं, ठीक है, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, ये हमने डिस्कस किया था ब्रीफ में। सन के बारे में सूरज किले को हम लोग ने डिटेल स्टडी किया था। आज हम अपना ग्रह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम ग्रह से स्टार्ट करेंगे। ओके, हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि ये रहा हमारा सूरज। ठीक है, ये हमारा क्या है? सूर्य है। इसके पास अलग अलग ग्रह हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रह कौन सा था हमारा? बुध, जो कि सूर्य से निकटतम दूरी पर है। सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह कौन सा पड़ता है? बुध, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह। एक क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से कि हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप कहोगे बुध। ठीक है, और साथ ही यह सूर्य के सबसे निकटतम है ग्रह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप क्या कहोगे? बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन बना सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, जैसे हमने अभी बात किया, सबसे नियरेस्ट कौन सा है? हमारा बुध है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपका बन गया। हम सारे नोट्स से, सारे डिटेल से आपको क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। आप इसे रटना नहीं, सिर्फ नॉर्मली समझते जाओ, याद रहेगा। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था, पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है वो, किसी को याद है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का भी सिर्फ एक उपग्रह है, जो कि है चंद्रमा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? ओके, यस। ठीक है, अब ये चीज हो गया। सूर्य या सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा से क्या मतलब है? ये सूर्य का ऐसे रोटेशन। ठीक है, परिक्रमा। ठीक है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यह सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में। ठीक है, ठीक है, केवल 88 दिनों में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है। अगर हम अपने पृथ्वी को लेके इसको चलें, ठीक है, अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें, तो आप उसके लिए इजी हो जाएगा समझना कितने दिन में करने से क्या मतलब है, परिक्रमा से क्या मतलब है। पृथ्वी में कितने दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की? एक सेकेंड, सॉरी, पृथ्वी में कितने दिन में करता है ये? 365 दिनों में। ठीक है, इसको मैं इसलिए पृथ्वी से लेके चल रही हूँ कि पृथ्वी हमारा ग्रह है। आपको उससे लेके चलोगे ना, तो चीज़ें समझने में आसान रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ बुध की बात हो रही है। बुध या सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में करता है, तो आपका एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया। ठीक है, पूरी परिक्रमा कितने दिन? 88 दिनों में कर लेता है। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि बुध पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है, बुध पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसमें जीवन की कोई संभावना नहीं है। क्या आप वायुमंडल के बिना जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जरूरी गैसेस चाहिए, जो कि वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। बुध में कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है, किसी भी प्रकार की गैसेस नहीं है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो इसलिए बुध पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? ओके, बुध का सौर मंडल क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा है, छोटा ग्रह। एक क्वेश्चन हो गया, निकटतम ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन बन गया, बुध का कोई उपग्रह है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बुध के 4 उपग्रह हैं, बुध के 400 उपग्रह हैं। ठीक है, ये करके पूछा जा सकता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है या बुध के अंगिनत उपग्रह हैं। ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर हो रहा है? बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? कितने दिनों में करता है?
88 दिनों में करता है, जो कि पृथ्वी 365 दिनों में करती है। क्लियर हो रहा है? ओके, बुध पे जीवन संभव क्यों नहीं है? एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से, बुध पे जीवन संभव क्यों नहीं है? बुध पे जीवन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। क्लियर हो रहा है? ओके, चलो अब इसका शेप के बारे में आ गया। पृथ्वी से इसके आकार की तुलना करें तो यह पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। मतलब ये रहा आपका बुध, एक मिनट सॉरी, ये रहा आपका बुध, ठीक है, ये आपका बुध है और अप्रॉक्स मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। तो आकार की तुलना करें, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया नहीं है पर बन सकता है, ठीक है, कैन बी आस्क्ड, ये बन सकता है कि पृथ्वी से अगर बुध की तुलना की जाए तो इसके आकार में कितना फर्क है? तो कितना बड़ा है? पृथ्वी बुध से 18 गुना छोटा है। आप इमेजिन करो कितना छोटा होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, बुध पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको समझाया था लास्ट में कि वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बांधे रखता है, कितना है? 3/8, 3/8 ही है, ठीक है। बुध पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल 3/8 है, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए रिवाइज करते हुए, याद करते हुए चलो, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सूर्य से निकटतम दूरी पर सूर्य के निकटतम होने के कारण बुध का तापांतर, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस सर्वाधिक दिनों में 430, ठीक है। सोचो सूर्य के कारण, ये सूर्य कोई भी चीज़ अगर गर्मी के पास रहेगी, ठीक है, ये आपका सूर्य, मैंने बताया था ना, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ गर्मी के पास में है ना तो ज़्यादा गर्म करेगी, ठीक है। तो सूर्य से निकटतम, सूर्य के निकटता होने के कारण, पास में होने के कारण इसका दिन का टेम्परेचर कितना है? 430 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन करो 100 डिग्री पे क्या होता है, वाटर बॉयल होने लगता है, ठीक है, 430 डिग्री सेल्सियस, और रात को -180, 4 के बाद, 0 के बाद आपको बर्फ होने लगती है, -4 पे आपकी ये ठंडी लगती है और -4 पे क्या होती है, बर्फ जमने लगती है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, रात को इसमें कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आता है दिन और रात में, जिसका हमारी पृथ्वी पे हम मान के चले, अगर दिन का टेम्परेचर हमारा 28-30 है तो बहुत फर्क रात में नहीं पड़ेगा, 10-12 का फर्क रहेगा अप्रॉक्स, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन यहाँ बुध को लेके चले तो सूर्य के निकटता होने का कारण ये पूछा जा सकता है कि बुध में इतना तापांतर का क्या कारण है, किस कारण बुध में टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आता है, जैसे कि दिन में कितना हुआ 480 डिग्री सेल्सियस, वही रात में हो गया -180 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन करिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है, आपके सूर्य के निकट होने के कारण। ओके, नेक्स्ट, बुध का घूर्णकाल, घूर्णकाल मतलब है कितने दिनों में वो एक साल पूरा करता है, एक पीरियड, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, कितने दिन लगता है उसको, 58.6, ठीक है। अब हमारा इस तरीके से देखा जाए, हम पृथ्वी को लेकर अगर तुलना करेंगे, अगर हम पृथ्वी को लेकर इसकी तुलना करते हैं, ठीक है, पृथ्वी को लेकर इसकी तुलना करते हैं तो हमारा 365 दिन था, ठीक है, परिक्रमा का काल था, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 365 दिन था, ये परिक्रमा काल था। अब घूर्णन काल, रोटेशन कितने में पूरा होता है, 364/1/4, ये जो 1/4 एक चौथाई दिन है ना, यही 4 सालों में क्या करता है, अगर 1/4 × 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 364 + 1 कितना हुआ, 365, ठीक है, 366 हुए, ये 4 साल में क्या होता है, एक दिन पूरा हो जाता है। ये एक दिन हमारे कैलेंडर में कहाँ एडजस्ट होता है, आपको पता है, सबको पता होना चाहिए, होगा भी, ये हमारा फेब्रवरी में जब लीप ईयर पड़ता है ना, कभी कभी 4 सालों में, ठीक है, 29 डेज की, 4 सालों में 29 डेज की फेब्रवरी पड़ती है, ठीक है, 4 सालों में एक बार 29 डेज की फेब्रवरी पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, क्योंकि 365 वाला हमारा 1/4 4 साल में एक दिन बना लेता है, उसे हम लीप ईयर करते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बुध का घूर्णन काल कितना हुआ, 58.6 हो गया। ओके,
हमारा नेक्स्ट दूसरा ग्रह कौन सा है? हमारा दूसरा ग्रह सूर्य के पास से कौन सा आ रहा है? सूर्य के पास के हमारा दूसरा ग्रह आ रहा है ये. कौन सा आ रहा है? पहला मरकरी था, दूसरा वीनस. ठीक है, हम वी से कर रहे हैं, वीनस आपका शुक्र हुआ. अब पहला क्वेश्चन देखिए, शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला तार ग्रह है. ठीक है, शुक्र जो है सौर मंडल 8 ग्रहों में सबसे चमकीला है. तो आपका ये पहला क्वेश्चन बन गया कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है. तो आप क्या कहोगे? शुक्र है. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट. इसका टेम्परेचर कितना है? -464 डिग्री सेल्सियस. शुक्र का टेम्परेचर कितना है? -464 डिग्री सेल्सियस. तो शुक्र अपनी परिक्रमा पूरे दिनों में कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में. जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 8 ग्रहों में, ठीक है, हमारे टोटल सौर मंडल में 8 ग्रह हैं. ठीक है, 8 ग्रहों में 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं. लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी क्या कहा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, 225 दिनों में का समय लेता है एक परिक्रमा पूरे करने में, क्योंकि शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा करता है. ठीक है, कौन कौन से करता है? एक शुक्र करेगा और दूसरा अरुण करेगा. ठीक है, शुक्र और अरुण ऐसे दो हमारे एक सौर मंडल में ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में, बाकी ग्रहों के मुकाबले विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं. क्यों करते हैं? इसलिए वहाँ, ठीक है, परिक्रमा करते हैं. इससे वहाँ क्या फर्क पड़ता है? इसलिए वहाँ कहाँ? शुक्र पे सूर्योदय पश्चिम की तरफ से और सूर्यास्त पूर्व में होता है. क्लियर हो रहा है? हमारे यहाँ देखो, हम अर्थ से लेके चलें तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये परिक्रमा कैसे कर रहा है? ये हमारा, हमने आपको उस दिन वेस्ट और ईस्ट बताया था ना. ठीक है, तो पृथ्वी कैसे कर रहा है? पृथ्वी क्या कर रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ कर रहा है. तो हमारे यहाँ सूर्योदय कब होता है? हमारे यहाँ सनसेट जो है, सनराइज जो है, वो होता है ईस्ट में. ठीक है, और सनसेट कब होता है? सनसेट होता है वेस्ट में. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य के विपरीत परिक्रमा नहीं करता है. लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के विपरीत परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण शुक्र और अरुण में सूर्योदय इनका होता है पश्चिम की तरफ से और सूर्यास्त होता है पूर्व की तरफ से. क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन, है इसको आप याद करके रखना. ये आपका पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं और वहाँ पे उन ग्रहों पर सूर्यास्त और सूर्योदय किस दिशा से होता है. आप ये इजी रखना कि मान लीजिए आपका वीनस है प्लस सैटर्न है, सॉरी यूरेनस है. ठीक है, वीनस यू और वी, वी यू होता है, यू वी होता है ना, वी यू कर लो आप, वीनस और यूरेनस. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों क्या हो जाएंगे? वी है. ठीक है, यहां सनसेट सनराइज, यहां से क्या होगा? सनराइज होगा. ठीक है, और यहां से सनसेट होगा. ठीक है, और ये परिक्रमा कैसे कर रहा है? ये परिक्रमा इस दिशा में कर रहा है. ठीक है, कैसे कर रहा है? वी की दिशा में. क्लियर हो रहा है? यू वी डब्ल्यू एक तरीके से लिंक कर दो. कैसे करोगे? वी से वीनस, यू से यूरेनस मिला के वी कर दो. इससे आपको जानते हो क्या फॉर्मूला मिलेगा? आपका वी से वीनस हो गया, यूरेनस हो गया, बुध हो गया, सॉरी शुक्र हो गया और अरुण हो गया. ये दोनों क्या कर रहा है? इनका परिक्रमा का क्या डायरेक्शन है? इनका परिक्रमा का डायरेक्शन इधर से लो, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है. ठीक है, पश्चिम से, ये देखो, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है. इसलिए यहाँ सूर्योदय क्या होगा? पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा. पृथ्वी के जस्ट उल्टा सूर्य और सॉरी शुक्र और अरुण पृथ्वी से जस्ट उल्टा परिक्रमा करते हैं, और दूसरी चीज सूर्योदय और सूर्यास्त इनका भी पृथ्वी से जस्ट उल्टा होता है. ठीक है, क्लियर हो रहा है आपके बाद? ओके, नेक्स्ट. शुक्र पर वायुमंडल, ठीक है, शुक्र पर वायुमंडल में क्या है? 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है. क्या कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे रहती है वहां पे जीने लायक रहता है? वो एटमॉस्फेयर लिविंग के लायक, जीवन के लायक है? बिल्कुल नहीं है. ठीक है, हमको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए.
ठीक है, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि शुक्र पर भी जीवन संभव नहीं है, वायुमंडल है लेकिन जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गैसें हमें जीवन के लिए उपयुक्त हैं, जीवन के लिए चाहिए हमको जीने के लिए, वो वहाँ नहीं है, बल्कि उसकी ऑपोजिट जहरीली गैसें हैं जो हम एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और 93.5% नाइट्रोजन है, अप्रॉक्स लगभग, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आप बुध से कंपेयर करें, हमने अभी तक एक ग्रह पढ़ा था बुध, अगर हम बुध से कंपेयर करेंगे तो वहाँ वायुमंडल था, नहीं था। शुक्र में वहाँ जीवन इसलिए संभव नहीं था क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं था, बिना गैसेस के, बिना ऑक्सीजन के। इस समय कोरोना के टाइम में आप देखो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कितनी त्राही मची, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी सकते हैं। अब बुध पे तो वायुमंडल ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता किसी चीज़ का कि वहाँ जीवन संभव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या शुक्र में क्या हो रहा है, जीवन वायुमंडल तो है लेकिन क्या वो गैसेस उपयुक्त है वहाँ पे हमारे जीने लायक, रहने लायक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3.5% नाइट्रोजन है, जो हमारे लिए यूजलेस है, जीने के लायक वो एटमॉस्फेयर नहीं है रहने के लायक। ठीक है, ओके, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है, अभी हमने फिर से इसी डायग्राम पर आ जाएं, आप सोचोगे बार बार ये डायग्राम बना रहे, लेकिन इसको दिमाग में लेके रखना, कभी भी कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी क्योंकि आपके दिमाग में पूरा सौरमंडल सोलर सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा बुध था, ये हमारा शुक्र, ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा कर ले रहे हैं, मरकरी वीनस अर्थ। ठीक है, अब देखो यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है, निकटतम ग्रह मतलब सबसे पास है, वो आपको डायग्राम से दिख रहा है। इस ग्रह को सांझ का तारा, ठीक है, सांझ का तारा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जस्ट पास में है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हर 10 साल में किसी ना किसी एग्जाम में हर साल पूछा ही जा रहा है, 10 सालों से 15 सालों से कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो ये आप हमेशा याद रखना। वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आते ही आते हैं। इवनिंग स्टार, सांझ के तारे को भी क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। कभी कभी हिंदी ना दे के इंग्लिश दे देगा, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। विच प्लैनेट या विच स्टार इज नोन एज, विच ग्रह प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार, किस ग्रह को सांझ का तारा या किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं? तो किसको कहते हैं? वीनस को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट भोर का तारा। ठीक है, यहाँ पे हो गया है भोर का तारा मीन्स मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और भोर का तारा। सांझ का तारा हो गया इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भोर का तारा। तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों से बनता है, मॉर्निंग स्टार से भी, इवनिंग स्टार से भी। किसको बोला जाता है? हमारे वीनस को। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से सारी चीजें रिवाइज कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीनस में ये है कि इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कौन सा ग्रह है, परिक्रमा कितने दिनों में करता है, उल्टी परिक्रमा क्यों करता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, वो क्या करता है, 6-8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व जाते हैं, ये पूर्व से पश्चिम आता है, इसी कारण शुक्र और अरुण में सूर्योदय पश्चिम की तरफ से होता है और सूर्यास्त पूर्व की तरफ से होता है। बाकी के 6 ग्रहों में क्या होते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी पे मान के चलिए, पृथ्वी पर सूर्योदय किससे होता है, पूर्व दिशा में होता है, वीनस में किस पे हो रहा है, पश्चिम दिशा में हो रहा है। हमारे यहाँ सूर्यास्त किस दिशा से होता है, हमारे यहाँ सूर्यास्त पश्चिम दिशा से होता है, शुक्र में किस में हो रहा है, पूर्व की दिशा में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, ओके, अब हम आगे चल रहे हैं। ओके, शुक्र को पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी कहते हैं, एक क्वेश्चन और बन गया, किस ग्रह को पृथ्वी की भागिनी ग्रह कहते हैं? भागिनी ग्रह क्या हुआ, सिस्टर प्लैनेट। ठीक है, क्यों कहा जाता है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक किया बार बार, ये इसके बगल में है, ठीक है, तो इसकी क्या है, भागिनी ग्रह है, सिस्टर प्लैनेट है, क्योंकि यह घनत्व तथा व्यास में, ठीक है, एक रीजन तो रहा इनके जस्ट बगल में है, दूसरा ये घनत्व डेंसिटी व्यास रेडियस लगभग पृथ्वी के समान है, इसका घनत्व साइज व्यास ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे भागिनी ग्रह कहते हैं। दूसरा रीजन, वो पृथ्वी के समीप है। ठीक है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, मरकरी का कोई उपग्रह था, नहीं था, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। शुक्र क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है, इसलिए इसे अंतर्ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।
अब क्वेश्चन बनेगा यहां से कि वीनस को बुध सॉरी शुक्र को अंतर ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया है। शुक्र को अंतर ग्रह की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। इसके स्थिति के देखते हुए क्या क्या है इसको अंतर्ग्रह, अंतर्ग्रह माने दोनों ग्रहों के बीच क्या, ठीक है, रिलेटेड, तो इसे अंतर्ग्रह श्रेणी में रखा गया है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हम आ गए अपने प्लैनेट में, दैट इज अर्थ। अर्थ ऑब्वियस सी बात है सन से कितनी दूर पर है, 1, 2, 3, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये हमारा ग्रह आ गया। ठीक है, पृथ्वी ही सौरमंडल का एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी जहाँ पृथ्वी वो ग्रह जहाँ पर हम जावा निवास करते हैं, जीवन संभव है इसलिए प्राणी जीव जंतु सब लोग निवास करते हैं। ठीक है, सूर्य के इसकी दूरी तीसरे स्थान पर है, ऑब्वियस सी बात है हमने अभी देख लिया, नंबर 1, 2, 3, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी कितनी है, किस स्थान पर स्थित है पृथ्वी, ठीक है, तीसरे पर है। ग्रहों के आकार व द्रव्यमान में ये पांचवें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे आपको एक बार रिवाइज करने ले चलेंगे। ये यहाँ पे दो चीज़ें थी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सूर्य से ग्रहों की दूरी, ठीक है, क्रम में, तो ये क्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 ग्रह थे, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम था, कैसे कैसे वो सूर्य के आगे क्रमवाइज लगे हुए हैं। अब आकार के उस पर दृष्टि से देखा जाए, आकार मतलब क्या, किसका क्या साइज बढ़ते या घटते क्रम में, सबसे बड़ा कौन सा था हमने कहा था, बृहस्पति, 1, सेकेंड नंबर पे शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी को लेके, पृथ्वी और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिसमें कि आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया, सूर्य से ग्रहों के क्रम की दूरी में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, ग्रहों की दूरी से तीसरा स्थान है, कंफ्यूज नहीं होना, आकार में, ठीक है, आकार में पांचवा स्थान है। क्लियर हो रहा है, ग्रहों की दूरी में तीसरा, आकार में पांचवा, ठीक है, क्लियर हो रहा। अब हम अपने पृथ्वी पर वापस आते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना, आकार व द्रव्यमान में पांचवा है, ये तीसरा है, जैसे कि हमने अभी देख लिया। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है, पृथ्वी पर जल मौजूद है, सब जानते हैं जल ही जीवन है, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में नीले रंग का दिखाई देता है। अगर हम अंतरिक्ष से, ठीक है, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें, ठीक है, ये हमारा अंतरिक्ष है, ठीक है, यहाँ से अगर हम पृथ्वी को देखें, ठीक है, तो ये किस कलर का दिख रहा है, नीले रंग का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, कोई कह सकता है, इसे नीला ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह, क्वेश्चन बन गया, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है और क्या कारण है इसका, दो क्वेश्चन बनेंगे, नीला ग्रह कहा जाता है किस ग्रह को और क्या कारण है। ठीक है, इनको नीला ग्रह क्यों पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 71% पृथ्वी पर 71% वाटर ही वाटर है, ओशन का, नदी का, महासागर का, पृथ्वी पर जल ही जल है, पीने लायक उतना नहीं है, पीने लायक के कुछ परसेंट है, पूरा पूरा आप 10% भी नहीं मान सकते, 3 या 4%, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष देखोगे तो पूरे पृथ्वी पे आपको जल ही जल दिखेगा, 71% जल में व्याप्त है पृथ्वी, इसी कारण अंतरिक्ष वो नीले रंग की दिखती है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, क्यों, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, पृथ्वी के सॉरी जल की अधिकता है पृथ्वी पर, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और कितने परसेंट लैंड है, 29% लैंड है। ठीक है, अब 100% में सोचो, 100% में 71% आपका वाटर हो गया और सिर्फ 29% लैंड है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे देखोगे जिस ज़्यादा रहेगा वही पोर्शन आपको समझ में आएगा ना, तो लर्न रखना, याद रखना कि पृथ्वी पर कितना है, 71% वाटर है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष से, ठीक है, अक्षर नहीं सॉरी, अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इस एक्सिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए भी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी तक झुकी हुई है, 23.30 डिग्री झुकी हुई है पर्सन, जिससे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन समझ रहे हो, ऋतु परिवर्तन क्या होता है, मौसमों का बदलना। ठीक है, एक सिंपल से आप देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है, हल्का सा ये टिल्ट है, ठीक है, ये ऐसे हल्की सी झुकी हुई दिखती, कितने पे है ये 23.30, ठीक,
ये हल्के से टिल्ट है, इसी कारण क्या है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में चेंजेस आते हैं, ऋतु में परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी, बारिश, बरसात, स्प्रिंग, ठीक है। ये किस, अब ये क्वेश्चन बन गया कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.23% झुकी हुई है, ठीक है। उसका अपने अक्ष से हल्का सा झुके होने के कारण क्या होता है, यहां ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ओके नेक्स्ट, या पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, अपने अक्ष पर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी हमारी सूर्य के अकॉर्डिंग घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है, इसीलिए पृथ्वी पर सूर्यास्त पश्चिम में होता है और सूर्योदय पूर्व में होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, वीनस और अरुण, शुक्र और अरुण के ठीक उल्टा पृथ्वी है, या आप कह सकते हो पृथ्वी के ठीक उल्टा शुक्र और अरुण है, क्योंकि बाकी ग्रह मेजॉरिटी हमेशा वेंस, ठीक है, बाकी 6-8 ग्रहों में से 6 ग्रह अलग चलते हैं, जो कि सही दिशा में सूर्य के सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और बाकी के 2 उनके ऑपोजिट में, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है अपने अक्ष पे, 1610 किलोमीटर पर आर, ठीक है, 1610 किलोमीटर पर आर, मतलब किलोमीटर पर घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर सूर्य का लगाती है। तो आपके दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे एक दिन में होते हैं ना, तो एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होते हैं, वो होते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अब 24 घंटे में से आप इसको माइनस कर लो, जो बचेगा इनटू 365 करो, तो वो मिला के आपका एक दिन की गिनती बनेगी, जो कि आपके कहाँ ऐड होती है, हर 4 साल में एक बार, फरवरी के महीने में, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले डिस्कस किया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप ये कर लो कि सूर्य क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, कितनी उसकी स्पीड रहती है, कितने चाल से, तो 1610 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कितने टाइम में एक दिन पूरा करती है परिक्रमा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये इस रेशियो को, इस डिजिट को लर्न रखना, एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होते हैं, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, क्लियर हो रहा। पृथ्वी को लेके कोई, पृथ्वी को लेके कोई भी चीज डाउट में नहीं रखना, ओके। या 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से 365 डेज, ठीक है, 365 है ये, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, ठीक है, 15.2 सेकेंड में सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। ये क्या बात हो रही है, ये एक साल की बात हो रही है, अभी हमने क्या किया प्रीवियस स्लाइड में, हमने ये एक दिन की बात की थी, 1 डे की बात थी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये, यहाँ पे ये एक साल की बात हो रही है, ठीक है, एक साल की, 1 ईयर की बात हो रही है, ठीक, क्लियर हो रहा है। किया 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से 365 डेज, 5 घंटे, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 48 मिनट 45.2 सेकेंड में सूर्य का चक्कर लगाती है, पूरे एक साल का रेशियो है ये, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लर्न करना, ईयरली नहीं पूछता है, ठीक है, तो आपको इतने अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने लगने वाला समय को ही सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपके एग्जाम में एसएससी है, सुपर टेट है, जहां भी थोड़ा सा मेंस के डेफिनेशन वगैरह में आएगा ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौर वर्ष, सोलर ईयर, मैं आपको इसलिए दोनों बायोलिंगुअल में समझा दे रही हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सौर वर्ष शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, सोलर ईयर बहुत ईजी है, ठीक है। तो सोलर ईयर क्या होता है, डिफाइन यह हो गया कि सौर वर्ष की परिभाषा दीजिए, तो आप कैसे दोगे, पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय, ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय, जितना टाइम लगता है सूर्य को पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने पर, उसको क्या कहा जाता है, सौर वर्ष, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है, ये हमने जब सूर्य पढ़ा था फर्स्ट क्लास में अपने, तो ये डिस्कस किया था कि सूर्य से, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचती है सनलाइट पहुंचती है 8 मिनट 19 सेकंड में, क्लियर हो रहा है, ओके। ये चीज़ें हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था,
इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उसे आपको बताती जा रही हूँ। चंद्रमा का कितना टाइम लगता है? 1.3। अब आप इसमें ये करके रखोगे कि सूर्य का अगर आप बात करो ना सन का, तो सन पृथ्वी पर अर्थ पे कितनी देर में आता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। ठीक है, अब चंद्रमा को लेके चलेंगे, चंद्रमा का कितना आ रहा है? 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, मतलब उतने में 8 गुनी रोशनी, लगभग 7 गुनी आ जाए। ठीक है, ये कंपैरिजन है। अगर पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने टाइम में आता है, तो 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 3 सेकेंड। क्लियर हो रहा है? ओके। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, औसत इसलिए है कि कोई जाके तो नापा नहीं है, सूर्य पर जाके कोई नापा हो, अप्रोक्सी लेंगे कोई भी चीज, हम औसत लेके ही चलेंगे। क्लियर हो रहा है? औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये भी नासा ने निकाला है कि यह सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी फिर वही इमेजिन कर लो, 1, 2, 3, ये डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन 4 जनवरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी 14.71 हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाता है। उत्तरायण लगता है, आप लोग सुन रहे होंगे ना, 14 जन को खिचड़ी मनाई जाती है, संक्रांति। उत्तरायण के कारण क्या होता है, वो सीधे पास में आ जाता है, सूर्य पृथ्वी के पास आती है। कितनी भी हुई उनके पास आने पे 4 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी इतनी मिनिमम पे कितनी आई? 14.71। रेगुलर अप्रॉक्सिमेटली कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन 4 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.71 किलोमीटर है, जिसे उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया, उपसौर किस दिन को, तारीख को कहा जाता है? होता है 4 जनवरी को होता है। ठीक है, उस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर को हटा के 14.71 हो जाती है। उपसौर के समय में, जब उपसौर रहता है, उपसौर कब होता है? 4 जनवरी को होता है। उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में घट जाती है, उनमें कमी आती है। कितनी आती है? 14.71 आ गई। क्लियर हो रहा है? ओके। अब वैसे उपसौर था, अब ये अपसौर है। अभी जुलाई की बात आ गई, अभी मैक्सिमम दूरी पे, अभी तक तो इफेक्ट्स है कि इतने पे रेगुलर रहते हैं। ठीक है, 4 जनवरी को ये थोड़े से पास आ गए, मान लो थोड़ा सा पास आ गया अर्थ। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, थोड़ा सा पास आ गई, ये हमारी अर्थ थोड़ा सा पास आ गई। कितनी दूरी इसकी हो गई? 14.71। ठीक है, ये क्या था हमारा? उपसौर था। ठीक, उपसौर था। क्लियर हो रहा है? अब अपसौर की बात हुई, अपसौर हमारा मतलब थोड़ा सा पृथ्वी अपनी डायरेक्शन से और दूरी पर आ गई। ये कब हुआ हमारा? 4 जुलाई। देखो डेट बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों 4-4 है, तारीख डेट दोनों की सेम है, दोनों जे है, एक जनवरी है एक जुलाई है, तो 4J आप मान के चलो, आपको याद रहेगा। अपसौर क्या, उपसौर क्या हुआ? 4 जनवरी। अपसौर क्या हो गया? 4 जुलाई। ठीक है, इसमें इसकी दूरी कितनी बढ़ जाती है? 15.21। अभी नॉर्मल कितनी रहती है? 15 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर के समय जब पास आते हैं तो 14.71 हो जाती है। ठीक है, 14.71 हो जाती है, और अपसौर के समय क्या हुआ? ये बढ़ गई तो 15.21 आ जाती है। क्लियर हो रहा है? ये पूरा क्लियर हुआ? इससे हमको क्या क्या टर्म मिला? एक क्वेश्चन ये बना, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, ठीक है, औसत दूरी कितनी है। ठीक, ओके। पृथ्वी पर विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास मालूम है आप लोगों को? विषुवत रेखा, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारा पोलर रीजन है। पोलर रीजन मतलब ध्रुवी, ध्रुव है यहाँ। ठीक है, ध्रुवी रीजन है ये हमारा विषुवर्ती, आप इक्वेटोरियल भी कह सकते हो। ठीक है, तो पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवी व्यास 12,714। जैसे कि हमने अभी बात किया, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा विषुवतीय व्यास है, ये क्या हुआ? 12,756 किलोमीटर हुआ। और ध्रुवी व्यास क्या हो गया? ये हमारा, देखिए, ये हमारा विषुवतीय हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, ये हमारा नॉर्थ ध्रुवी और ये साउथ। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। ध्रुवी व्यास कितना हुआ? 12,714, और विषुवतीय व्यास कितना हुआ? 12,756। ये हमारा पृथ्वी का विषुवतीय और ध्रुवी दोनों व्यास की गणना हुई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके,
पृथ्वी का उपग्रह के नाम से, पृथ्वी का एक उपग्रह जिसे क्या कहते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी का एक उपग्रह है। अभी तक बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का पहला उपग्रह आया चंद्रमा, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, आप कहोगे चंद्रमा। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, कोई भी होगा मैं लास्ट में फिर पूरा कंप्लीट कराने के बाद आपके सारे पेरेंट्स रिवाइज कर लूंगी, ओके। चलो नेक्स्ट, मंगल। अब हम मंगल पर आ गए, चलिए अब हमारा चौथा ग्रह कौन सा है, मंगल। हमारा ग्रह में सौरमंडल का चौथा ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को अभी मार्स वगैरह, मार्स ऑर्बिट मिशन वगैरह, मॉम वगैरह 2000 में मिशन गया था, ठीक है। तो इसमें क्या भेजा गया, इसको क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह। लाल ग्रह किस कारण कहा जाता है, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, किसकी उपस्थिति कारण या किस कारण, तो वहाँ फेरस ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखिएगा। फेरस ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह, फेरस ऑक्साइड की अधिकता है मंगल ग्रह पे, फेरस ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण उसको लाल ग्रह कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, वह अपने अक्ष से 25 डिग्री अंश पर और 25 डिग्री और 12 मिनट, ये आप कैसे लिखोगे, जैसे हमने वहां लिखा था 25 डिग्री पे, आप इसको कैसे लिखोगे, 25.12, ठीक है, अक्ष पर छुका हुआ है, जिसकी वजह से, ठीक है। अभी पृथ्वी कितने पे थी, किसी को याद है, पृथ्वी हमारी थी 23.12, ठीक है, 23.12 पृथ्वी थी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे पृथ्वी कितने, मंगल कितने पे है, 25.12 में, इसी कारण ये अक्ष पे झुकी हुई पृथ्वी भी थी, मंगल भी है, इसी कारण क्या है, यहाँ भी मौसम परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन बन गया, किन ग्रहों पे मौसम परिवर्तन होता है, किसके कारण, अक्षीय झुकाव के कारण, ठीक है, ग्रहों के अक्षीय झुकाव के कारण, उन ग्रहों पे, जिन ग्रहों पे भी अक्षीय झुकाव है, अक्षीय झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन वहाँ होता है, उनकी संभावना होती है। अभी तक किस किस ग्रह में हुआ, पृथ्वी में और मंगल में, ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, फिर मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव और दिन का मान लगभग पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। मंगल देखिए वहाँ पे 23.30 था, यहाँ पे 25.12 है, बहुत डिफरेंस नहीं, अप्रॉक्स लगभग बराबर है, इसी कारण अक्षीय झुकाव और दिन का मान लगभग पृथ्वी के बराबर है, जितना पृथ्वी का है उतना ही मंगल का है। इसके साथ ही मंगल और पृथ्वी में एक समानता और भी है, कौन सी है, मंगल अपनी अक्ष की, अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटा 6 मिनट में चक्कर लगाता है। वो कितना लगा रहा था, 23:56:48, ठीक है, ये कितना लगा रहा है, 24 घंटे 6 मिनट। तो लगभग ये चीज़ भी, समानता कैसे हो गई, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अक्षीय झुकाव भी है, और इसमें क्या है, अपनी धुरी पे सूर्य के कितने देर में लगा लेता है, 24 घंटे 6 मिनट में चक्कर लगा ले रहा है, और यह 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब पृथ्वी कितने में करता है, 365, वो भी कहोगे अब इतनी समानता है तो इतनी अधिकता क्यों हो गई, क्यों, क्योंकि अगर हम सूर्य से इनकी दूरी देखें तो पृथ्वी के बाद सूर्य आता है ना, तो डिस्टेंस पृथ्वी और मंगल में बढ़ रहा है ना, पहला मरकरी था, बुध था, तो बुध का तुरंत आ जा रहा था, ठीक है, पास में था, उसके बाद शुक्र आया, शुक्र में इसलिए हो रहा था कि वो उल्टी परिवर्तन, उल्टी दिशा में परिवर्तन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, फिर तीसरे पर पृथ्वी आया, पृथ्वी 365 दिनों में कर रहा था। अब पृथ्वी से भी दूर मंगल है, सूर्य से मंगल की दिशा कितने पे, चौथे स्थान पर है, तो कितना टाइम में पूरा कर रहा है परिक्रमा, 687। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, 687 में, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक ये चीज नहीं आ रही थी हमारे भी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ओलंपस मोन्स, ठीक है, ये नाम आप याद रखना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है, उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स। वो किस ग्रह में उपस्थित है, किस ग्रह में स्थित है, तो आप क्या कहोगे, मंगल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आगे उपग्रह की बात है, अभी तक शुरू के तीन में दो में किसी में उपग्रह नहीं थे, न बुध में थे न शुक्र में थे, पृथ्वी में एक था, कौन सा, चंद्रमा। मंगल के दो ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है, मंगल के दो ग्रह हैं, ठीक है, मंगल के दो ग्रह कौन से हैं, फोबोस और डिमोस, ये आपको लर्न रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल के दो ग्रह कौन से हैं, फोबोस और डिमोस।
मंगल पे ही विश्व सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ओलंपस मून्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मंगल क्लियर हो गया। अब हम अपने सबसे बड़े ग्रह पर आए आकार के हिसाब से, जुपिटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बृहस्पति आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, हमने पहले डिस्कस किया है कई बार। यह पृथ्वी से लगभग इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वियां, ठीक है, देखो एक बुध, ठीक है, एक पृथ्वी जो थी हमारी, एक पृथ्वी ठीक है 18 बुध के बराबर थी। अभी हमने देखा था ना कि 18 बुध ग्रह मिल जाए उतनी बराबर एक पृथ्वी थी। ठीक है, ये तो थी पृथ्वी और बुध की बात, क्लियर हो रहा है? अब यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे अब क्या कर रहे हैं, 1300 पृथ्वियां। अब हम जुपिटर को अगर कंपेयर करें, बृहस्पति को पृथ्वी के आकार से तुलना करें, 1300 पृथ्वी, जितना बड़ा पृथ्वी है ना, मान लीजिए ये पृथ्वी है, 1300 पृथ्वी आप जोड़ लो तो एक जुपिटर बनेगा। ठीक है, 1300 पृथ्वियां समा सकती है एक जुपिटर ग्रह में, बृहस्पति में, इतना बड़ा इसका आकार है। ठीक है, यह अपनी धुरी पे सबसे तेज घूमता है। ठीक है, अपनी धुरी पे सबसे तेज घूमेगा ये। ठीक है, जिससे यह लगभग 9 घंटे 55 सेकंड में अपनी धुरी पूरी कर लेता है। उन लोगों को 23 घंटे 24 घंटे 26 घंटे 40 घंटे लग रहे थे, जुपिटर सबसे तेज घूमता है इतना बड़ा होने के कारण भी 9 घंटे 55 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्लियर हो रहा है? ओके, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने का समय लगता है। समझ जाओगे, क्योंकि जितना सूर्य से दूर रहेगा उतना कोई चीज़ दूर है तो पास में जाने में उनको टाइम लगेगा ना, कोई चीज़ पास में तो तुरंत घूम गए, अब वो पांचवें स्थान पर टाइम लगेगा घूमने में। क्लियर हो रहा है? इसके साथ ही बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। अभी तक पृथ्वी का 1, मंगल का 2, अब बृहस्पति के 79 ग्रह आ गया। गैनीमेड, ठीक है, ये नाम याद रखना। ये देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहा है, ये क्वेश्चन बना। पृथ्वी, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, रंग से कोई वो नहीं है आपसे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि बृहस्पति का उपग्रह, सब बृहस्पति ग्रह में कितने उपग्रह हैं? 79 है। उनका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। क्लियर हो रहा? अब आ गए हम लोग शनि पर। ठीक है, शनि एक ऐसा ग्रुप ग्रह है, शनि दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक, सॉरी ग्रह है। ठीक है, पहला कौन सा? जुपिटर, ग्रहों के आकार के हिसाब से। दूसरा कौन सा है? शनि। इसके चारों ओर एक छल्ला है, वलय है। अगर आपको शनि का याद हो स्ट्रक्चर, तो ऐसा है शनि हमारा। ठीक है, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है जो इसकी प्रमुख पहचान है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी आठों ग्रह में छल्ला नहीं है, जिसमें छल्ला पाया जाता है शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है। शनि भी पीले रंग का होता है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 29.4 वर्ष में करता है। ठीक है, 29.4, क्योंकि इसकी दूरी सूर्य से और बढ़ती जा रही है, तो ये परिक्रमा कितने में टाइम में करता है? 29.4 वर्ष में। शनि का सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक है, अभी तक बृहस्पति के कितने थे? 79। अब फिर से आ जाओ, बुध पे एक भी नहीं, शुक्र पे एक भी नहीं, पृथ्वी पर 1, मंगल पे 2, बृहस्पति पे 79 और शनि पे 82। क्लियर हो रहा है? इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। ठीक है, इतने सारे इसमें उपग्रह हैं, इसका एक नाम और क्या है? गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। अब यह क्वेश्चन बन गया, किस ग्रह को गैलेक्सी लाइक प्लैनेट की संज्ञा दी गई है? विच प्लैनेट इज नोन एज गैलेक्सी लाइक प्लैनेट? तो आप क्या कहोगे? शनि। अब शनि के मेन 2-3 पॉइंट अलग कर लेना, किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, वलय का रहता है, स्प्रिंग रहती है, किसमें है? शनि में है। रंग छोड़ दो, कितने टाइम में पूरा करता है? 29.4 में। सबसे अधिक क्वेश्चन बनेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, तो वो क्या है? सॉरी, शनि में। ठीक है, किस प्लैनेट को गैलेक्सी लाइट प्लैनेट कहते हैं? शनि को कहते हैं। अब हमारा आ गया यूरेनस, अरुण। ठीक है, यह आकार में तीसरा है। ठीक है, यह आकार में जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ रही ना, वैसे वैसे प्लैनेट का, ग्रहों का आकार बढ़ रहा था। यह आकार में तीसरा है। ठीक है, लेकिन सूर्य से दूरी में सातवां है।
आप डिस्टेंस सूर्य से दूरी का भी और आकार में दोनों याद रखना सारे ग्रहों की। अरुण की खोज किसने किया था? सर विलियम मार्शल ने किया था। अरुण प्लैनेट, अरुण ग्रह की खोज सर विलियम मार्शल ने 13 मार्च 1781 में किया था। अरुण शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, जैसा हमने डिस्कस किया था 8 में से 6 एक तरफ थे, 2 एक तरफ, 2 उल्टी दिशा में करते थे, वो कौन कौन से थे हमारे? वीनस थे और यूरेनस था, जैसे कि मैंने सिंपल बताया था वी प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ई। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। सूर्य की परिक्रमा कितना टाइम लगता है इसको? 83.7 वर्ष, क्योंकि उतना दूर है। घूर्णनकाल 10 से 25 घंटे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। यहाँ सूर्यास्त कब होता होगा? सूर्यास्त होता है पूर्व में और सूर्योदय होता है पश्चिम से। ठीक है, इसलिए इसका ये घूर्णनकाल है। अरुण अपने अक्ष से 97.8 डिग्री झुका है, जिसके कारण यह लेटा हुआ दिखाई देता है। अब देखो पृथ्वी वगैरह ऐसी है 23 पे, ठीक है, ये पूरा 97 ऐसे हो गया है। ठीक है, ऐसे हो गया है, इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। किस ग्रह को, क्वेश्चन बन गया, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। अरुण की और एक विशेषता कि उल्टी परिक्रमा करता है विपरीत दिशा में। ठीक है, मीथेन गैस के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी नीले रंग का दिखाई दे रही थी, क्यों? क्योंकि वहां जल की अधिकता है पृथ्वी ग्रह पे, ये हरे रंग का दिखाई देता है। कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? हमारा अरुण यूरेनस दिखता है। क्यों? क्योंकि अरुण पे मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसके 27 उपग्रह हैं। देखो अब उपग्रह कम होना शुरू हो गए, जुपिटर के 79 आपके शनि के 82 थे, अरुण के 27 आ गए। इसके मेन जो है उपग्रह है मिरेंडा, एरियल, ओबरॉन, टाइटेनियम, कार्डलिया, ऑक्लिया। ठीक है, ये इसके 5 मेन उपग्रह हैं। वैसे तो 27 उपग्रह हैं, लेकिन ये 5 मेन यूरेनस के, शनि सॉरी अरुण के उपग्रह हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब आ गया हमारा नेपच्यून, सबसे छोटा सबसे आखिरी। इसके बाद प्लूटो था लेकिन वो हट गया, अब सबसे छोटा और आखिरी हमारा क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून की खोज, सॉरी वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गटफील्ड ने। ठीक है, जॉन गटफील्ड गाले ने 1846 में वरुण की खोज की थी। ठीक है, यह सूर्य का सबसे दूर का 8वां प्लैनेट है। यह सबसे, सूर्य यहाँ था, ठीक है, सूर्य यहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी दूरी पे यह 8वें स्थान पर है। ठीक है, यह सूर्य, वरुण अपने सूर्य की परिक्रमा 163.7 वर्ष में पूरी करता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? किसने खोज की थी, कौन से स्थान पर है, आकार के हिसाब से कौन से स्थान पे है और दूरी के। ठीक है, यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसमें क्या है, इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। ठीक है, अभी तक ये ऐसा प्लैनेट, पहला प्लैनेट है वरुण जिसमें कि अमोनिया पाई गई है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पहले भी पाई जा रही थी। हाइड्रोजन कहाँ पाया गया था? हमारे सूर्य में भी पाया गया था, हाइड्रोजन प्लस हीलियम थी। वरुण में सबसे अधिकता नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन गैसेस पाई जा रही हैं। वरुण में लगभग 14 उपग्रह हैं। ठीक है, वरुण के भी उपग्रह हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइटन और नेरिड। टाइटन और नेरिड वरुण के 2 इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं। वैसे गिनती में वरुण में कुल 14 उपग्रह हैं। ठीक है, वरुण का वातावरण किस रंग का दिखाई देता है? पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, शनि का किस रंग का दिखाई देता था अरुण का? हरे रंग का दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि वहाँ मीथेन था, सॉरी शनि नहीं अरुण का, क्योंकि वहाँ मीथेन की उपस्थिति थी। ठीक है, पृथ्वी का नीला क्यों दिखाई देता था? हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब चंद्रमा की बात आ जाए। चंद्रमा क्या था? पृथ्वी का एकमात्र एक छोटा सा पिंड जो पृथ्वी के 1/4, चंद्रमा का साइज कितना है? पृथ्वी का 1/4 गुना है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी के परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटों में कर लेता है। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा 27 दिन 7 घंटों में करता है और 43 सेकेंड। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे? 27, 7, 43, 15 मोटा मोटा आपसे अप्रॉक्स में पूछा जाता है। 27 दिन आप 27 दिन कह सकते हो। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी, डिस्टेंस पूछना इंपॉर्टेंट है, कितना दूर है? 384,400। ठीक है, 384,400 क्या है? चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी। ठीक है, एग्जैक्ट में मत कहीं लगाना।
चंद्रमा और पृथ्वी महीने में दो बार समकोण बनाते हैं। समकोण मतलब एक ही दिशा में एक ही लाइन में आ जाते हैं, पूर्णवासी अमावस्या, आप सब समझते हैं ठीक। चंद्रमा का, हाँ, चंद्रमा का व्यास लगभग 3475 किलोमीटर और त्रिज्या कितनी है 1738 किलोमीटर। तो ये नॉर्मली आपको एक रिवाइज के लिए अपने माइंड में रखना रहेगा, चंद्रमा का व्यास कितना है लगभग 3475 किलोमीटर और त्रिज्या कितनी है 1738। क्लियर हो रहा है? ओके, एक ही बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दें, अपोलो 11 एक ऐसा अंतरिक्ष विमान था जो कि सन 1969 में अमेरिका द्वारा भेजा गया था। कहाँ पे? चांद पर। 1969 में अमेरिका द्वारा चांद पर भेजा गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने चंद्रमा पे पहली बार कदम रखा था। कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है ना, वो कौन से ऐसे दो व्यक्ति थे, या नील आर्मस्ट्रांग, या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे पहली बार गए थे, ठीक है, कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, जो कहाँ के थे, किस देश ने पहली बार चंद्रमा पे अपने लोग भेजे थे, तो अमेरिका ने भेजे थे, ठीक है, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पे सतह पे अपने कदम रखे थे। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने, वो मनुष्य दो लोग थे जिन्होंने चंद्रमा पे पहली बार 1969 में गए थे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, आज का ये टॉपिक हमारा सौरमंडल यहीं पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।